परिवार कुटुंब ये हमारे समाज की इकाई है, यूनिट। अभी जो तथाकथित आधुनिक जीवन प्रणाली चल रही है, 300 साल पहले पश्चिम में भी ऐसा नहीं था, लेकिन 300 साल पहले और विशुद्ध जड़वादी उपभोगवादी तत्वज्ञान वो बढ़ने लगा, उसका प्रभाव हो गया, उसके चलते बहुत सारी उथल पुथल हुई और उसके प्रभाव में लगभग सारी दुनिया आज चल रही है। तो उस विचार में व्यक्ति इकाई है, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का अवसर, व्यक्ति का मत, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि वहां कुटुंबों में भी बच्चा कोर्ट में जाकर कह सकता है कि मेरे माँ बाप मेरा प्रतिपालन ठीक नहीं कर सकते, उनको पनिश करो, ऐसा कोर्ट में अर्जी देके चलते हैं। कहते हैं बच्चे बड़े होने के बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, विवाह होने के बाद अलग घर बनाते हैं, माँ बाप वृद्ध होने के बाद उनका क्या करना, तो वृद्धाश्रम की व्यवस्था बनाई उन्होंने। लेकिन हमारी परंपरा में ये सारे प्रयोग हो चुके होंगे, हम बहुत प्राचीन हैं, तो इन सारी बातों में से हम भी गए होंगे, हजारों वर्षों का हमारा अनुभव जीवन का, उस अनुभव के बाद निष्कर्ष के रूप में हमने जिस परंपरा का स्वीकार किया जीवन शैली की, उसमें कुटुंब ये इकाई है।